अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं मुश्ताक अहमद तांत्रे, एक्स प्रेसिडेंट फ्रूट मंडी सोपोर। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि फ्रूट मंडी सोपोर एक बहुत बड़ा कारोबारी अदारा है। समाज का एक बहुत बड़ा तबका इसके साथ जुड़ा हुआ है। लाखों ग्रोवर्स, हजारों ट्रेडर्स और हजारों लेबर्स का ये रोजगार का जरिया है। इस इलाके में रोजगार का बहुत बड़ा जरिया है ये। हमारी एक एसोसिएशन है यहाँ, द कश्मीर फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन, जो हम चला रहे हैं, जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुद्दा और मकसद एक है कि ये जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर, लाखों ग्रोवर्स को रिप्रेजेंट करना, ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट करना, फ्रूट मंडी सोपोर के मसाइलों को हल करना, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारे मसले को हल करना और हर ग्रोवर की जो भी डिमांड हो उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाना और इस सेक्टर की बेहतरी के लिए काम करना, ये हमारा मुद्दा और मकसद हो। हमारी एसोसिएशन कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं है। हमारी जो भी बहुत बड़ा तबका जो इससे जुड़ा हुआ है, चाहे वो लाखों ग्रोवर्स है, हजारों ट्रेडर्स है या लेबर्स है, उनका एक मुख्तलिफ सियासी नजरिया है जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन जब हम एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो हम सब एक है। हमारा एसोसिएशन का सोशल ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे। हमारे इदारे का सदर का पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करना बहुत अफसोस की बात है, जिससे हमारे कारोबार पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है या हमारे फ्रूट मंडी सोपोर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का सदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। हाँ, हमें कोई इतराज नहीं अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे पड़ेगा या उससे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन करना होगा, तभी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला सकता है। पिछले एक महीने से आपने देखा सियासी माहौल काफी गर्म था कश्मीर में। हमारे सदर साहब ने एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन पीडीपी, उससे हमारी मंडी पे काफी बुरे असर पड़ सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हमारी एसोसिएशन एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल को हमारा सदर किसी मखसूस जमात का हो, चाहे पीडीपी का हो या किसी और जमात का सदर हो, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी आएंगे, वो अपना अलग अलग एसोसिएशन बनाएंगे, जिससे हमारी यूनिटी पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। हमारा इत्तेफाक जो यहाँ है उस पर बुरा असर पड़ सकता है और जो हमारे एसोसिएशन का मुद्दा और मकसद है वो मकसद फोत हो जाता है। इसीलिए मेरी गुजारिश है सदर साहब से, गौर इस बात पर करें कि हमारी एसोसिएशन कितनी अहम एसोसिएशन है, समाज के एक बहुत बड़े तबके को रिप्रेजेंट कर रही है। इसलिए इस मंडी को सियासी अखाड़ा न बनाए और न ही इस मंडी को किसी सियासत का शिकार करें। अगर उससे बाकी सियासत में जाना है जाए, बेशक हमारी दुआएं उसके साथ है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर वो न जाए। पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़े, उसके बाद ही जाए।